हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फिडोजन विथ आराध्य। और ये आराध्य का बर्थडे का ब्लॉग है जो कि काफ़ी डिले हो गया। जिन लोगों को नहीं पता होगा बता दो, आराध्य का बर्थडे 24 अप्रैल को होता है। तो अभी हमारा प्रिपरेशन चल रहा है इसमें। और अब आराध्य पहले तो सिर्फ देखते थे, पहले आराध्य जब सो जाते थे तो प्रिपरेशन करना पड़ता था। अब आराध्य मतलब सपोर्ट करे प्रिपरेशन करने में। और सेकेंड बोली कि आराध्य अब नहीं करने दे रहे थे क्योंकि सब कुछ आराध्य को ही करना था, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ। क्योंकि मॉर्निंग में पूजा का होता है तो पूजा के पर्पज से डेकोरेशन चला था, तो पूरे फ्लावर्स लगाने थे तो सबसे पहले आराध्य को ही लगाने थे। तो यहाँ 2-3 हम लोगों ने लगाए थे। इसके बाद फिर आराध्य बोले कि नहीं मैं लगाऊंगा। देखिए यहाँ आराध्य को रिकॉर्डिंग भी करनी है। ये अपना ले जाकर दिखा रहे हैं कि यहाँ भी आराध्य ने लगाया है। तो ये देखिए एक तो, और अभी पता है आराध्य के पिछले टाइम पे भी बर्थडे के टाइम पे ही हो गया था लॉकडाउन, और इस बार भी बर्थडे में ही लॉकडाउन हो गया था। तो एज सच इस बार हम लोगों ने सोचा चलो, पिछली बार तो बर्थडे आराध्य का काफ़ी इफ़ेक्टेड रहा इससे, कोविड से, कि लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं आ सकता था। बट इस बार जब नॉर्मल हुआ था सिचुएशन तो लगा कि चलो इस बार अच्छे से करेंगे, बट वो हो नहीं पाया। तो यहाँ हम लोग जो भी घर पे अवेलेबल है, थोड़ा बहुत जो ले सकते हैं वही चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन था महाराष्ट्र में। तो शॉप भी सिर्फ 7 to 11 मॉर्निंग में 7 AM to 11 AM ओपन हो रहा था। और नेसेसरी शॉप मतलब ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यही आप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स भी ऐसा सच नहीं मिले थे, फ्रूट्स भी आपको बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ अवेलेबल नहीं था। हाँ बस आप लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो, बस इतना ही मिल रहा था। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी टफ हो रहा था। और ये देखिए आराध्य चेयर लेके कभी इधर लगा रहे हैं उधर लगा रहे हैं। और ये चेयर देखिए, चेयर टूट गया था, चेयर हमें लाना था, बट हम नहीं, उस टाइम पे थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन जब हुआ था तो नहीं टूटा था। जब ये टूटा तो भी बहुत मतलब महाराष्ट्र में आप लोगों को पता होगा कि 2 मंथ पहले ही आ गया था कोविड जो सेकेंड वेव है। तो हम थोड़ा सा मतलब पहले डर गए कि चलो थोड़ा नॉर्मल होगा तो लाएंगे लाएंगे, ऐसे सोचते सोचते फिर सेकेंड वेव आ गया तो नहीं ला पाए। तो अब इस चेयर को हमें काट के यूज करना पड़ रहा है एज लाइक स्टूल की, कहीं कुछ ऊपर करना है, कुछ ऊपर से उतारना है ऐसा। जैसे अभी हमें फ्लावर्स या फिर डेकोरेशन करना है तो ज़रूरत पड़ेगी। और जो मेरा स्टूल था वो आराध्य ने तोड़ दिया। जो 2-3 मतलब इसी ड्यूरेशन में मेरे 2 चेयर टूट गए, स्टूल टूट गया। तो इसको मैंने किसी तरह से ऐसे किया है कि हाँ हम अप डाउन करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो वही आराध्य इधर उधर लेके चल रहे हैं। तो देखिए अभी आराध्य लगा रहे हैं। अब वो अपना जितना हाइट है उतने हाइट पे आराध्य अपने हिसाब से बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रहे थे। ये देखिए जितनी हाइट जा रही है आराध्य वहाँ वहाँ पर अपना कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो पहले वो अपना डेकोरेशन कर ले, अपना एंजॉय कर ले, इसके बाद फिर हम लोग करेंगे। तो आराध्य ने अपने हिसाब से काफ़ी डेकोरेशन किया अपना। और जब हम खुद से करते हैं तो हाँ टायर्ड भी हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है। और पेंडेमिक टाइम में तो पूरे घर का काम खुद करना है, तो ऐसे ही हालत ख़राब होती है। और कोई फंक्शन है तो एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं, तो इतना ज़्यादा वर्डन हो जाता है। बट हाँ बाद में वो चीज़ ये देख के काफ़ी इंजॉय होता है कि हमने क्या क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एवरीथिंग हमने खुद किया। और ये देखिए ये पीछे अब टेबल देखिए आराध्य वो टेबल ना जो डोर है उसके पास लगा के एक बेड बना दिया है, क्योंकि बच्चे अगर घर में रहते हैं तो घर को देख देख के बोर हो जाते हैं, वही सेम चीज़ें। तो अगर थोड़ा बहुत चेंज आराध्य को चाहिए होता है वो अपने हिसाब से करता रहता है, जिसमें कभी डांट भी पड़ जाती है। ये देखिए अब आराध्य लगा चुके हैं, अब आराध्य खेलेंगे इससे, कभी ट्रेन बनाएंगे। आप लोगों को पता है आराध्य हर चीज़ है ट्रेन बना के खेलते हैं। तो अब आराध्य का लग गया, आराध्य अभी नहा के भी आ गए, फ्रेश हो गए। और जितना आराध्य को डेकोरेशन करना था हो गया। हमने थोड़ा सा ये ऊपर ये पत्ती लगा दी है,
और बहुत ज़्यादा ये क्योंकि बर्थडे के पहले का है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब खुद से करना है तो रिलैक्स होकर करेंगे, तो क्योंकि सारा काम भी इसमें देखना है, बच्चे को भी देखना है, सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते रहेंगे तो बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, ये पूरा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये रेड एंड येलो का मैरी गोल्ड का ब्रांच है, मैरी गोल्ड फ्लावर है, मतलब उसका पूरी लड़ियाँ हैं, उसको हमने लगा दिया है क्योंकि मॉर्निंग में है पूजा। और पूजा भी एक बार तो मेरा मन किया पंडित जी को बुला लें, बट फिर से डर लगने लगा क्योंकि पंडित जी मंदिरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो थोड़ा सा घर में बच्चा रहता है तो डर लगता है। तो मैंने ही खुद मॉर्निंग में पूजा किया था, तो सब घर पे पूजा करने के बाद घर का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में। मेरे जस्ट सामने मंदिर है मेरे फ्लैट के, तो ये मंदिर का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है और जाने पे बहुत पीसफुल लगता है। मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर मेरे यहाँ कोई आता भी है, मान लीजिए कोई बड़ा, तो यहाँ पे मंदिर में मॉर्निंग और इवनिंग को आरती होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी खुला प्लेस है और बड़ा मंदिर है, छोटा नहीं है, मतलब इतना बड़ा मंदिर सोसाइटी में बहुत, तो मतलब मैंने नहीं देखा है। तो ये देखिए, और क्लीनिंग वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है, ग्रीनरी में अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कितना अच्छा है। तो पहले आप लोग भी गणपति जी का दर्शन कर लीजिए, और जो लोग जानते होंगे तो उनको पता होगा कि महाराष्ट्र में गणपति जी की मान्यता ना बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, और मैंने पहले ही मिठाई मंगा लिया था, ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणपति जी का। और आराध्य ना जब हुआ था तब भी वो आया था यहाँ गणपति जी का, मैंने भी जब आराध्य हुआ था या होने वाला था जब मैं जा रही थी, तो यही गणपति जी के पैर छू के मैं गई थी। ये सारी मेमोरी है हमारी, तो ये एक बार मैं आप लोगों को दूर से दिखा देती हूँ, आप लोगों ने गणपति जी को तो देख लिया, और मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए ग्रीनरी और काफ़ी स्पेसिस, यहाँ बच्चे मतलब नॉर्मल टाइम में खेलते हैं, अभी तो कोविड है तो कोई भी नहीं दिख रहा है। इस टाइम पर इतना ज़्यादा लोग डरे हुए थे कि मैं जब प्रसाद दे रही थी ना, तो लोग प्रसाद लेने में भी डर रहे थे, और ऑनेस्टली अगर कोई नहीं लेना चाह रहा था तो मैं नहीं दे रही थी। और ये देखिए, ये सारे फ्लावर्स हैं, चमेली के फूल हैं, रोज है, तुलसी का है, ये बड़े बड़े बादाम के पेड़ हैं, मतलब तो एवरीथिंग कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। अब आफ्टरनून में भी यहाँ आइए, तो आफ्टरनून में भी मॉर्निंग के टाइम पर ही यहाँ धूप आती है, आफ्टरनून में आप आएंगे ना तो यहाँ आराम से आप बैठ सकते हो, जैसे कोई घर पे बोर हो रहा है, बच्चा खेलना चाहता है तो यहाँ के खेल सकते हैं। ये देखिए, ये पिंक फ्लावर है ना, ये कितना अच्छा है, इसमें फ्लावर आया हुआ है। मैंने फिर इसको थोड़ा सा जूम करके कैप्चर करने की ट्राई किया है कि आप लोगों को समझ में आए। और ये देखिए, ये येल्लो वाला कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम येल्लो, तो उस दिन इतना अच्छा लग रहा था, पूरा का पूरा प्लांट जो है ना येल्लो हो गया था। और ये देखिए पिंक वाला भी, अभी मैंने दो दिन पहले भी देखा था ना, ये पिंक वाला फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, मैं मास्क लगा के ऐसा, मैंने हेयर ब्रश भी नहीं किया है, ऐसे ही मैं चली आई थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ भी फंक्शन होता है तो काम ज़्यादा होता है, और ये बर्थडे के दिन वाला है। ओम भूर्भुवः सुना दीजिए बाबा को। ओम भूर्भुवः सर, मुझे नहीं याद, नहीं याद है, चलिए बोलिए, हम पीछे पीछे भी बोल रहे हैं, चलिए। ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः श्वः श्वः आप बोल दीजिए तस्त तस्त वितुर वितुर वरेण्यम वरेण्यम भर्गो देवश धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वही रहिएगा अभी। और जहाँ मैं बर्थडे की तैयारी चल रही है, और आप लोगों को ये ना दिखाऊं कि क्या बना था, तो ये होगी नाइंसाफी। तो मैं बता दूं कि उस दिन चूँकि खाने में इंटरेस्टेड थोड़ा 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 बहुत कुछ था, तो ऐसा नहीं कि घर पे ही बना के, और मैंने घर पे इस बार थोड़ा कम चीज़ें बनाई है,
बिकॉज कि वो बच जाता है या फिर लोग खाते नहीं हैं और बनाते बनाते मैं टायर्ड हो जाती हूँ, तो मैंने उस दिन ये कचौड़ी बना लिया था या फिर पापड़ी बोल सकते हो इसमें, मतलब बहुत हार्ड मैंने आटा नहीं गूंथा था, सॉफ्ट आटे से बनाया था और वही अजवाइन डाल के, क्योंकि थोड़ा अजवाइन मतलब ऐसे हम लोग तो किसी चीज़ में डाल के ऐसे खा भी लेते हैं, बच्चे तो किसी चीज़ में अगर आप ऐसे मिक्स करके खिलाओगे तो ही खा सकते हैं। तो ये अभी गर्मी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट विंटर में अगर आप चाहो ना तो ऐसे पूरी बना सकते हो, बट अभी क्या कोविड का टाइम चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज़ें ज़रूरी है देना, तो आप दे सकते हो। तो ये मैंने पूड़ियाँ तल लिया है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैंने मिठाई बाहर से मंगा लिया था, पिछली बार तो थोड़ा बहुत मिठाई बनाया भी था बट इस बार बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कह रहा था टाइम नहीं दे रहे थे। और इसके साथ मैंने बना लिया है छोले, मटर के छोले बनाए थे और पानी पूरी मंगा लिया था, उसने उसको तोड़ के डाल दिया था, काफ़ी क्रिस्पी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये मैंने खिचड़ी बनाई, सिंपल खिचड़ी। अब आप सोचोगे कि बर्थडे के दिन खिचड़ी, तो आराध्य खा नहीं पा रहा था, उसका दांत पीछे से आ रहा है तो बिल्कुल नहीं खा पा रहा था, तो खिचड़ी ही खाया था। थोड़ा बहुत हमने पूरी उसको खिलाया था वो चीज़ से। और यहाँ मैं पूजा का आपको दिखा दूँ, पूजा हमारी हो चुकी है, देखा तो आप लोगों ने, मैंने भी कर लिया है, आराध्य ने भी कर लिया है, बीच में आराध्य के पापा मैं जब गई थी तो उन्होंने भी कर लिया था जब मैं मंदिर गई थी तो। और यहाँ मैं मिठाई दिखा दूँ, तो इतनी मिठाई मैंने मंगाई थी क्योंकि इवनिंग में केक भी आना था, तो आराध्य का ब्लैक फेवरेट है और ये येलो वाला बहुत टेस्टी मिठाई, बहुत टेस्टी बर्फी थी, बहुत टेस्टी। और ये ब्लैक मिठू तो आराध्य का ऑल टाइम फेवरेट है और वाइट भी अच्छा लगता है, तो ये सारे फेवरेट आराध्य के आए हैं। और यहाँ पापा जी डेकोरेशन कर रहे हैं और यहाँ ऑलमोस्ट हमारा नाउ वी प्रिपरेशन टू आवर birthday, so my birthday, and as you thought, I almost not remember now, and now my PJ Masks cake will come, so it's my 6th birthday, and I have one present now. It's due COVID, so I can't sit in, and I can have now. So I have decoration, and which I thought, no, the COVID was in our death in city, so I can have a present. So I waited too dark, and how my dad is going to present, so my birthday is, so I have a preparation one in a night, you see one in a night preparation. Okay, so you can come to my birthday. No. This is COVID. I have a. Now I'm going to bring my hat to. I want to the hat, so I want to bring a hat, and
So I look, I'm wearing a Petra mask. And what you think of my birthday? How do you think my birthday and bye bye. Have a good day and watch you have a birthday. Bye.